कि ये नारा ही बुनियादी गलत है, ये मेरा जिस्म है ही नहीं, ये मेरा जिस्म है ही नहीं, तो मेरी मर्जी कैसे है? अगर ये जिस्म तुम्हारा होता तो तुम्हारे चेहरे पे कभी झुर्रियां ना पड़ती, अगर ये जिस्म तुम्हारा होता तुम्हारे बाल कभी सफेद ना होते, अगर ये जिस्म तुम्हारा होता तुम्हारी बिनाई कभी कमजोर ना होती, अगर ये जिस्म तुम्हारा होता तुम्हारी सुनवाई कभी कमजोर ना होती, अगर ये जिस्म तुम्हारा होता तुम्हारी टांगों में लड़खड़ाहट कभी ना आती, अगर ये जिस्म तुम्हारा होता तुम्हारी कमर कभी ना झुकती, अगर ये जिस्म तुम्हारा होता तुम्हें बाहर से 32वीं ना लगानी पड़ती। पता ये चला, जिस्म तुम्हारा नहीं है, जिस्म किसी और ने दिया है। लिहाजा जिसने जिस्म दिया उसने इस जिस्म के इस्तेमाल का तरीका भी बताया और उसने दो टोक बता दिया कि ये जिस्म मैं तुम्हें दे रहा हूं, अगर तुमने इसका इस्तेमाल दुरुस्त किया तो फिर मेरे पास बड़ी नियामतें हैं। मिसाल देके बात समझाकर आगे जाना चाहता हूं। एक अरबपति ने अपने बेटे को 1 करोड़ रुपया दिया। बेटा जवान हो गया है, तू बिजनेस करके देख 1 करोड़ रुपए में क्या करता है। अगर उसने वो 1 करोड़ रुपया 10 करोड़ में, 5 करोड़ में, 3 करोड़ में बदला, बिजनेस किया, तो बाप उसको अरब देते हुए भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा कि पुत्र कम मदा है। लेकिन अगर उसने 1 करोड़ लिया और हफ्ते के बाद दांत निकाले हुए पहुंचा, अब्बा खत्म हुई ये पैसे, तो और दे सही से। बिल्कुल इसी तरह मेरे रब ने छोटी सी निगाह देकर, कान देकर, छोटी सी जिंदगी देकर तुझे और मुझे यहां भेजा। अगर इस निगाह की हिफाजत की, इस नजर का इस्तेमाल उस तरह किया जिस तरह मेरे अल्लाह और उसके महबूब ने बताया, तो फिर अल्लाह फरमाते हैं इस निगाह को मैं फिर इतनी इज्जत दूंगा, इस निगाह को इतनी बुलंदी दूंगा, इस आंख को इतना शर्फ दूंगा कि ये आंख मेरा दीदार करेगी। अल्लाह, ये मेरा दीदार करेगी। इस कान को इतना मकाम दूंगा कि ये मेरा कलाम मेरी जबान से सुनेगी।